मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बम्बों और गोलियों में अस्पतालों में गुजरा। 14 बार आतंकवादियों ने हमले किए और अब भी मेरा वो संघर्ष जारी है। ये जीवन बोनस का है, ये भगवान का दिया हुआ बचा हुआ शरीर का हिस्सा है और भगवान के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, हे हनुमान जी, हे भगवान जी महाराज, जब भी मेरा जीवन जाए, बीमार होके एक्सीडेंट से ना जाए, जब भी मेरा जीवन जाए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए पहले की तरह बम्बों और गोलियों से जाए। और आज हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, को कांग्रेस में हो सकता है, को बीजेपी में हो सकता है, को समाजवादी पार्टी में हो सकता है, को बीएसपी में हो सकता है, पर राष्ट्र प्रथम, मातृभूमि पहले, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां लीडर। जब हमारे अंदर यह विचार आ जाएगा कि मातृभूमि पहले, प्रथम राष्ट्र, तो फिर तो झगड़े का सवाल ही कोई नहीं। पाकिस्तान की हिम्मत क्या है कि हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मेरा बीजेपी के साथ, सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं मिलने की कोशिश करता हूं, ना मिलने की इच्छा है। पर मेरे बचपन से लेके आज का जो सपना पूरा हुआ है, एक पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, उसके बाद आया है नरेंद्र मोदी या कभी इंदिरा गांधी ने, जिसने आज आतंकवादियों के चने चबा दिए। चाइना जैसा कंट्री, जिससे अमेरिका भी काम जाता है, इतनी बड़ी ताकत इस दुनिया की, हमारे सरहदों पे आके चाइनीज फौजियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पहली बार हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने, आपने टेलीविजन के अंदर, बड़े बड़े अखबारों में देखा होगा, मार के जफ्फा पंजाबियों की तरफ भगा के वो फेंक दिया, ये नरेंद्र मोदी ने किया। 56 इंच की छाती के ऊपर चर्चा बहुत होती है, मजाक बहुत उड़ाया जाता है। मैं फिर कहूं, मेरा किसी से लेना देना नहीं, प्रथम भारत जो मातृभूमि की सीमाओं की, मातृभूमि का एक इंच हिस्सा कहीं जाने ना दे, उसके तो सलूट करना ही पड़ेगा, उसके आगे तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। कोई अपने विचार अपने अंदर रख सकता, मैं क्यों बोलता हूं, पर मेरे अंदर तो राष्ट्र पहले है। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरा लीडर, कोई नहीं, सबसे पहले भारत, जिसके लिए जीवन दिया है और आधा जिसके लिए देना है। और हम सब फिक्र में थे, आप भी तकलीफ में थे, क्या जंग होगी, जंग के हालात बन चुके थे, और चाइना के साथ जंग होगी तो जंग बहुत खतरनाक होगी। जंग कहना बहुत आसान है, जब बहनों के सुहाग उजड़ते हैं, लोग उजड़ते हैं, कश्मीर जम्मू के पास आके देखिए जिस तरीके से गोलाबारी होती है, उन लोगों को पूछिए वो कैसे रात दिन जीते हैं अपने बच्चों के साथ। पर नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया, ये 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है।